नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो हाल ही में रिलीज करी गई है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020। इसमें भारत की जो पक्षियों की प्रजातियां हैं उन पर एक डिटेल्ड और लंबा रिसर्च किया गया, उन्हें ऑब्जर्व किया गया और क्या स्थिति है भारत में पक्षियों की, कितनी बर्ड स्पीशीज हैं जो खतरे में हैं, उनका स्टेटस क्या है, इस सभी के बारे में इस रिपोर्ट ने डिटेल में बात बताई है और हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज पर। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाएंगी और पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी कि आईएएस एग्जाम और कई स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कीजिए। दोस्तों, अगर आप स्टडी आईक्यू के सभी वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और इसी के साइड में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएंगी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मैं एक एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यूपीएससी और अन्य कई एग्जाम्स में एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पर काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है। वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज WDPA, ये एक डेटाबेस है, एक नेटवर्क है, इसे कौन सा संगठन चलाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में लेक्चर अपलोड होने के 2 घंटे बाद। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 रिपोर्ट को जारी किया गया कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के COP में जो चल रहा है गांधीनगर में। इस पर भी एक अलग से वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि भारत में पहली बार कोई कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हुआ है, इतने वाइड स्केल का सर्वे हुआ है जो पक्षियों की प्रजाति के डिस्ट्रीब्यूशन, उनके अबेंडेंस और कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करता हो। तो ये उन सभी बर्ड स्पीशीज पर हुआ है जो भारत में आमतौर पर पाई जाती हैं। इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी एक एजेंसी द्वारा नहीं किया गया या सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, इसमें 10 संगठन शामिल थे और ये 10 संगठनों में आप इनका नाम यहां पर पढ़ सकते हैं पॉज करके। इनमें से कई सरकारी हैं, कई गैर सरकारी भी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉमन एक तरह का प्रोग्राम देखा गया है जहां पर सिटीजन्स की भी हेल्प ली गई, आम नागरिकों की हेल्प ली गई, जो बर्ड वॉचर्स हैं उनकी हेल्प से ये सर्वे किया गया और कई सालों का डेटा इसमें कलेक्ट किया गया है। कई सालों से जो बर्ड ऑब्जर्वर्स हैं उनका डेटा लिया गया। तो इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी और साथ ही साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो काफ़ी नामी गिरामी है, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, उसके अलावा WWF, ये इन सभी का सहयोग लिया गया। तो इन 10 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी करी है और इसीलिए इसकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज दोनों शामिल थी। तो इस सर्वे में 15,000 से भी ज़्यादा बर्ड वॉचर्स ने हिस्सा लिया। ये आम नागरिक थे जो बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड हैं। इन सभी का एक नेटवर्क तैयार किया गया, इन्होंने अपना अपना डेटा अपलोड किया, ई बर्ड नाम का एक स्पेशल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया इस पूरी एक्सरसाइज के लिए और 867 स्पीशीज को असेस किया गया है। अब ये बात याद रखिएगा कि भारत में 1300 के आसपास पक्षियों की प्रजातियां हैं जो अभी तक डिस्कवर करी जा चुकी हैं। हम हर साल कुछ ना कुछ नई प्रजातियां भी डिस्कस करते हैं, तो समवेयर बिटवीन 1250 to 1350, अलग अलग एस्टिमेट है, बट हाँ 1250 से ऊपर हैं भारत में पक्षियों की प्रजातियां, उनमें से भी 867 को इस सर्वे के लिए असेस किया गया है। और यहां पर कितने ऑब्जर्वेशन किए गए, तो लगभग 1,10,000,000 ऑब्जर्वेशंस बर्ड वॉचर्स ने किए हैं। कौन सी बर्ड कितनी बार देखी गई, कितनी देर के लिए देखी गई, ये सभी जो डेटा है ये 10,000,000 ऑब्जर्वेशंस का डेटा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोलेक्ट किया गया और ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बर्ड सर्वे इतना रेलेवेंट क्यों है, चिड़िया तो बहुत कॉमन होती है, ये कोई शेर या हाथी की तरह थोड़ी ना है जो देश में केवल कुछ हज़ार बचे हों। लेकिन ऐसा नहीं है, बर्ड्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हमारे आसपास की प्रकृति किस दिशा में जा रही है, उसकी हेल्थ कैसी है, इसका बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है बर्ड्स। दे आर एक्सेलेंट इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ आर नेचुरल वर्ल्ड और साथ ही साथ हमारे लिए कल्चरल सिंबल्स भी रहे हैं। हमारे आर्ट में, कल्चर में, हर जगह बर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, कई भगवान के वाहन होते हैं पक्षी। और साथ ही साथ देखिए, इकोलॉजी की अगर बात करें तो ये यूबीक्यूटस है, हर जगह बर्ड्स मौजूद होती हैं, तो ये ओवरऑल नेचुरल एनवायरनमेंट की हेल्थ काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। और इसके अलावा इनके इकोसिस्टम में कई इंपॉर्टेंट रोल हैं, जैसे पॉलिनेटर्स, सीड डिस्पर्शन, प्रेडेटर्स, स्कैवेंजर्स, प्रे फॉर अदर स्पीशीज, तो ये इकोलॉजी में कई अलग अलग जगह पर अपना स्थान बनाती हैं और इसीलिए ओवरऑल इकोलॉजी कैसी चल रही है ये बर्ड्स के स्टेटस से, बर्ड के सर्वे से हमें मालूम चल सकता है। अब देखिए, पूरी दुनिया में बर्ड स्पीशीज कम हो रही हैं लेकिन भारत में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। भारत में इस तरह का कोई सर्वे आज से पहले नहीं हुआ था, तो इसीलिए
जब भी भारत में कंजर्वेशन की बात आती है तो हम केवल कुछ स्पीशीज पे फोकस करते हैं, हम प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रहे हैं, राइनोस के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बड़ी बड़ी फ्लैशी स्पीशीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि इकोलॉजी में केवल उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी इंपॉर्टेंस है, बट साथ ही साथ हमें छोटे स्पीशीज पर भी फोकस करना होगा। और ये कंजर्वेशन में इस वक्त एक बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ल्ड वाइड कि केवल कुछ स्पीशीज पर फोकस ना किया जाए बल्कि ओवरऑल एनवायरमेंट की बात करें। तो इसीलिए बर्ड्स पर इस तरह का एक नेशनल लेवल का सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आगे के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। अब हम आते हैं एक्चुअल सर्वे पर। तो ये जो पूरा सर्वे रिपोर्ट है इसमें तीन इंडाइसेस बनाए गए हैं, ठीक है। इन तीन इंडाइसेस पर ही बात करी गई है हर स्पीशीज के बारे में। तो पहला तो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यानी पिछले 25 सालों में बर्ड पॉपुलेशन या उस स्पीशीज की पॉपुलेशन के साथ क्या ट्रेंड रहा है, उनके नंबर्स बढ़े हैं घटे हैं। सेकेंड है करंट एनुअल ट्रेंड, यानी पिछले 5 सालों में संख्या बढ़ी है या घटी है ये देखना। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज, यानी कि पहले कितने एरिया में पाया जाता था अब कितने एरिया में पाया जाता है कोई भी बर्ड स्पीशीज, उसके बारे में बात करी गई। तो इसके बेसिस पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, इसकी हेल्थ कैसी है, क्या इसको लेकर कंजर्वेशन एफर्ट्स होने चाहिए या नहीं, ये इन तीनों इंडाइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की, तो 261 ऐसी बर्ड स्पीशीज हैं जिनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एनालाइज किया गया, जिनका डेटा अवेलेबल था, और इनमें से 52% सन 2000 से डिक्लाइन हुई हैं। पिछले 20 सालों में हम देखें तो 52% ऑफ द बर्ड स्पीशीज जिनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अवेलेबल था उन वो डिक्लाइन हुई हैं, और 22% स्ट्रांगली डिक्लाइन का मतलब है कि उनके नंबर्स बड़ी संख्या में घटे हैं। ओवरऑल 43% स्पीशीज जो है इन्होंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टेबल दिखाया है, यानी कि ना इनकी पॉपुलेशन कम हुई है ना ज़्यादा बढ़ी है, और 5% प्रजातियाँ ऐसी थी जिनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो ये एक चिंताजनक आंकड़ा है हमारे लिए कि हमारे देश की आधी स्पीशीज़, 52% ऑफ द बर्ड स्पीशीज़ जो है उनका नंबर्स गिर रहा है, और उसमें से भी 22% तो स्ट्रांगली डिक्लाइन पॉपुलेशन में देखा गया है। अगर करंट ट्रेंड्स की बात करी जाए, यानी 5 साल में जो उनकी पॉपुलेशंस है, तो वो 146 स्पीशीज़ को एस्टिमेट किया गया, यहाँ पर 80% आर डिक्लाइनिंग, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर्स और भी ज़्यादा चिंताजनक है। 80% बर्ड स्पीशीज़ का नंबर घटा है और 50% स्ट्रांगली डिक्लाइन, 6% ऐसी हैं जो स्टेबल हैं और 14% ऐसी हैं जो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन ये करंट एनुअल ट्रेंड्स है पिछले 5 सालों का। तो अगर आप इसको पॉज करके आराम से देखना चाहते हैं कि कितना परसेंटेज है एक एक कैटेगरी का, अनसर्टन, स्ट्रांग डिक्लाइन, मॉडरेट डिक्लाइन, स्टेबल, मॉडरेट इंक्रीज, स्ट्रांग इंक्रीज, तो आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म वाला डेटा है, ये करंट वाला डेटा है। तीसरा इंडेक्स था रेंज साइज का। रेंज साइज का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज कितने एरिया में पाई जाती है। तो लगभग आधी स्पीशीज 46% ऐसी हैं जिनका मॉडरेट रेंज साइज है, 33% ऐसी हैं जिनका रेंज बहुत ही बड़ा है, तो ये अच्छी बात है। अगर कोई प्रजाति पूरे देश में पाई जाती है तो अगर किसी एक एरिया में उसकी संख्या घट भी जाती है तो दूसरे एरिया की पॉपुलेशन सस्टेन कर लेगी, तो एक्सटिंक्ट होने का डर नहीं रहता है। लेकिन 21% स्पीशीज ऐसी हैं जिनका रेंज रिस्ट्रिक्टेड या वेरी रिस्ट्रिक्टेड है। इसका बेस्ट उदाहरण है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए हिस्टोरिकली ये पूरे सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती थी, लेकिन अब इसकी रेंज बहुत कम रह गई है। ये केवल राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, और महाराष्ट्र में इसकी एक छोटी सी पॉपुलेशन है। तो अगर मान लीजिए कि राजस्थान गुजरात वाली पॉपुलेशन में कोई बीमारी फैल जाती है, तो आप मानकर चलिए कि ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी उसी समय, क्योंकि महाराष्ट्र वाली पॉपुलेशन इतनी छोटी है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगी लंबे समय तक। तो इसीलिए रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो पूरे भारत में पाई जाती है, तो अगर लेट से महाराष्ट्र में भी वो विलुप्त हो जाती है या कोई बीमारी फैल जाती है, तो बाकी की पॉपुलेशंस विल सस्टेन दैट स्पीशीज। उसके बाद है कंजर्वेशन कंसर्न स्टेटस। बर्ड स्पीशीज को हाई, मॉडरेट और लो रिस्क में रखा गया है। तो हाई रिस्क में 101 प्रजातियां हैं, मॉडरेट में 319 और लो में 442। चिंता की बात यह है कि कई प्रजातियां जिन्हें हम या फिर साइंटिस्ट या रिसर्चर्स भी काफ़ी कॉमन मानते थे कि इनका नंबर तो काफ़ी अच्छा है, इन्हें कोई भी थ्रेट नहीं है, वो भी कम पाई गई हैं और इसीलिए उनका भी कंजर्वेशन स्टेटस हाई है। ऐसी कुछ प्रजातियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, दे आर कॉमन बर्ड्स शोइंग स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिक्लाइन, यानी 25 सालों में इनका ट्रेंड नीचे जा रहा है, इनकी पॉपुलेशन नीचे जा रही हैं, लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये काफ़ी कॉमन है। और अगर आप देखना चाहें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार, तो भी इस डेटा को कैटेगराइज किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेड, लीस्ट कंसर्न। तो मैं उम्मीद नहीं रखता कि आप डेटा याद रखेंगे, लेकिन बस एक ट्रेंड याद रखिए कि 101 प्रजातियां ऐसी हैं जो हाई कंसर्न में है, 319 मॉडरेट में है, तो हमें इनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है, यानी कि आधी से ज़्यादा स्पीशीज आर एट रिस्क, उनके बारे में सोचने की या कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है।
तो अगेन अगर आपको इस पूरे डेटा में इतना कुछ याद नहीं रहता, बस दो डेटा याद रख लीजिए, 52% ऑफ द स्पीशीज शो डिक्लाइन ओवर द पास्ट डेकेड्स एंड 101 स्पीशीज आर क्लासिफाइड एज हाई कंजर्वेशन कंसर्न। पूरे इस लेक्चर से केवल दो आंकड़े भी याद रख सको तो वो ये रखना। कई मेजर बर्ड ग्रुप्स हैं जिनकी संख्या चिंताजनक है, उनमें सबसे मुख्य रूप से हैं रैप्टर्स यानी शिकारी चिड़िया, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स जो पानी के किनारे पाई जाती हैं, हैबिटेट स्पेशलिस्ट जो केवल एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पाई जाती हैं जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंडेमिक टू वेस्टर्न गार्ड्स। इन बर्ड्स की संख्याओं में बहुत कमी आई है और ये वाली स्पीशीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉमन स्पीशीज जिन्हें माना जाता था कि काफ़ी हैं लेकिन इनकी संख्या में गिरावट देखी गई है। ऐसी चिड़िया जो इनवर्टिब्रेट्स को खा जाती है यानी छोटे जानवरों को खाती है, उनकी संख्या में भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। ये एक शोर बर्ड का फोटोग्राफ है और इसकी संख्या भी बहुत तेज़ी से नीचे आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी बैड न्यूज़ है, कुछ अच्छी खबर भी है। 126 प्रजातियों का ट्रेंड अपवर्ड्स है यानी उनकी संख्या बढ़ रही है और कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके नंबर बढ़े हैं। उनमें से आप याद रखिएगा फीरल पीजन यानी कि जो आम तौर पर आप कबूतर देखते हैं, जंगली कबूतर, इसकी संख्या बढ़ रही है। हाउस पैरो और पीकॉक या पीफॉल जैसी स्पीशीज़ हैं ये भी अच्छा कर रही हैं, आगे आपको इनके बारे में बताता हूँ डिटेल में। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो ग्लोबली नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में आती हैं जैसे ब्लैक हेडेड इबिस या फिर ओरिएंटल डार्टर, ये भारत में स्टेबल हैं या फिर इनकी संख्या इंक्रीज़ हो रही है, विच इज़ अ गुड ट्रेंड। आप में से कई लोगों ने एक बात सुनी होगी पिछले कुछ सालों में कि जो कॉमन हाउस पैरो है, गौरैया, इसकी संख्या घटती जा रही है। आप लोग अगर शहर में रहते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये सिटीज़ में आजकल बहुत रेयरली नज़र आती है। तो एक कॉमन व्हाट्सएप वाला ज्ञान है कि हाउस पैरोज आर डाइंग बिकॉज ऑफ मोबाइल टावर रेडिएशन, क्या ये सही है? तो सर्वे ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं है, एटलीस्ट इन्होंने जो रिसर्च किया है उसमें उन्होंने ये पाया कि एक तो इस बर्ड की संख्या नहीं घटी है, पिछले 25 सालों में इस स्पीशीज़ का जो नंबर है इट इज़ फेयरली स्टेबल, स्टेबल है, ना तो बढ़ा है ना घटा है। हाँ, मेट्रो सिटीज़ में इसकी संख्या ज़रूर घटी है, तो जो बड़े बड़े शहर हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, इन शहरों में डेफिनेटली इसकी संख्या घटी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी संख्या बढ़ गई है। तो ऐसे ओवरऑल अगर आप देखें तो बैलेंस हो गया है और पूरे भारत में इस स्पीशीज़ की संख्या बराबर है, लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन जो है वो एक बहुत ही घातक ट्रेंड है बर्ड्स के लिए। तो इसके लिए कुछ पॉसिबल सस्पेक्टेड रीजंस बताए हैं कि ये सिटीज़ में इसकी संख्या क्यों घट रही है। उसका कारण है कि देखो, इनको इंसेक्ट्स नहीं मिलते हैं, इनका खाना होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, अब ज़मीन ही बहुत कम बची है, हर जगह सड़कें बन गई, पेवमेंट्स बन गए, पक्के मकान हैं, तो इनको खाने के लिए इंसेक्ट्स नहीं मिलते हैं जो इनका मेन डाइट होता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर है, इन्हें नेस्टिंग साइट नहीं मिलती। तो पहले जहाँ पर खिड़कियों के कोनों में ये बैठ के अपना घोंसला बना लेती थी, वहाँ पर अब सब ग्लास बिल्डिंग्स होती हैं, कहीं पर चिड़िया के बैठने की जगह नहीं है, तो ऐसे में नेस्टिंग साइट्स के अभाव में ये शहरों से घटती जा रही है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो एक पॉपुलर थियरी है कि मोबाइल फ़ोन टावर्स के कारण इनकी संख्या घटी है, इसके लिए अभी कोई एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ है। तो ओवरऑल जो बर्ड्स की डिक्लाइनिंग नंबर हैं भारत में, उसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे बड़ा है अर्बनाइजेशन, मैंने आपको बताया घोंसले बनाने की जगह नहीं है, इंसेक्ट्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा, शिकार बढ़ गया है। और तीसरा, हैबिटेट लॉस, जैसे ऐसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना गया है, इनके साथ टकराने के कारण बर्ड्स को बहुत नुकसान होता है, मर जाती हैं, नुकसान क्या होता है, बिल्कुल जान गंवा देती है बर्ड्स अपनी। तो ये चार बड़े रीज़न माने गए हैं। और पाँचवा बड़ा रीज़न है पेट ट्रेड। तो देश में एक अलग ही ट्रेंड है कि हमें बर्ड्स पालनी है, घर पे लव बर्ड्स पालनी है, लोगों में आपस में लव नहीं है लेकिन लव बर्ड्स पालेंगे। तो ऐसी ही एक पक्षी है ग्रीन मुनिया, ये जो मुनिया बर्ड है इसकी बहुत ही मीठी आवाज़ होती है और इसीलिए इसको काफ़ी पकड़ा जाता है शिकारियों द्वारा और पिंजरे में बांध करके बेचा जाता है मार्केट्स में। तो इस ग्रीन मुनिया की जो संख्या है वो भी बहुत डेंजरसली घट गई है वाइल्ड में। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर परिवार दोस्तों में ये मैसेज दीजिए कि बर्ड्स ना खरीदें, कम से कम घर पे रखने के लिए ना खरीदें। देखिए, जू में रहती हैं वो बात अलग है, लेकिन आप अपने स्तर पर पर्सनली बर्ड्स ना खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। तो देखिए, पीकॉक होता है मेल, पी फाउल होती है फीमेल, तो वैसे स्पीशीज को पी फाउल कहते हैं। तो भारत का जो ये राष्ट्रीय पक्षी है इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके पीछे कई रीजंस बताए गए हैं, क्योंकि इसका शिकार करना इलीगल है, काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, तो ये एक रीज़न बताया गया है कि मोर की संख्या बढ़ती जा रही है। और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में एनालिसिस हुआ नहीं है, मे बी कुछ सालों में इस पर भी सर्वे होगा कि मोर की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। आप बस ये याद रखिएगा कि मोर जो है इट इज़ इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी आने वाले 50 साल तक भी राष्ट्रीय पक्षी रह सकता है। वॉट नीड्स टू बी डन नाउ, क्या करने की आवश्यकता है? तो पहला, ओवरऑल डिक्लाइन इन स्पीशीज डिमांड्स रिसर्च इनटू द कॉजेज एंड एक्शन टू प्रोटेक्ट द हाई कंसर्न स्पीशीज। तो अभी इन्होंने तो ओवरऑल
एक सर्वे किया है डिटेल्ड इंडिविजुअल स्पीशीज के अंदर जाकर, इन्होंने रिसर्च नहीं किया कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज की संख्या क्यों घट रही है। तो वहां पर इन्होंने हाँ कुछ रीजंस दे दिए हैं लेकिन ज्यादा स्पीशीज को कवर नहीं किया है। तो कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए प्रोग्राम्स चलाने की आवश्यकता है, अपडेट ग्लोबल एंड नेशनल प्रायोरिटीज यूजिंग कंजर्वेशन असेसमेंट्स, फंड कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑन हाई कंसर्न स्पीशीज, इसके लिए अलग से फंड बनाए जाएं जो 101 हाई कंसर्न स्पीशीज हैं उनके लिए जो और जिनके हैबिटेट्स काफी कम हो चुके हैं, सपोर्ट मॉनिटरिंग एफर्ट्स बाय सिटीजन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो आम जनता को इन्वॉल्व करना होगा, उन्हें एजुकेट करना होगा, सिटीजन साइंटिस्ट बनाने होंगे जो बर्ड्स के नंबर्स पर ध्यान रखें। बर्ड वॉचर्स की संख्या देश में बढ़ेगी उतना ही इसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी और कंजर्व करने के एफर्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इस रिपोर्ट में, एक और बात कही गई है। पर्टिकुलर स्टेट के लिए बताया गया है कि कौन सी बर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वैसे जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट है डेटा, लेकिन अब देखो इतने सारे राज्यों की इतनी सारी बर्ड्स मैं अपने लेक्चर में बता नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर वो रिपोर्ट आपको दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कीजिए। 50-55 पेज की रिपोर्ट है, चाहो तो पूरी पढ़ सकते हो, नहीं तो सीधा उस सेक्शन पे जाना जहां पे स्टेट वाइज बर्ड्स के नाम दिए गए हैं कि ये बर्ड इस स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, की बर्ड की स्पीशीज है, और वो याद रख लेना अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में काम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।